गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी तक हम लोग अतीत में दबे पांव यात्रा वृत्तांत पढ़ रहे थे ओम थानवी द्वारा रचित। इसमें अभी तक हम लोगों ने हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन, रहन सहन, सांस्कृतिक व्यवस्था, नगरीय योजना, वहाँ से प्राप्त हुए स्नानागार, महाकुंड और बौद्ध स्तूप के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम आज की चर्चा में शामिल करते हैं कुछ पुरातत्व वेताओं द्वारा खोज किए गए तथ्यों के बारे में। आपके सामने ये मानचित्र है जिसमें आप समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। ये पश्चिमी भारत का हिस्सा वर्तमान में पाकिस्तान, और इस प्रकार से बहुत सारे क्षेत्र हैं जो चिन्हित किए गए हैं, जिसको हम देख सकते हैं मानचित्र के द्वारा। अब अगले क्रम में हम देखते हैं कि जो नाम है पुरातत्ववेत्ताओं के, उनके आधार पर खुदाई स्थलों के नाम करण कर दिए गए हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में एक मोहल्ले का नामकरण कर दिया गया डीके हल्का, दूसरे का नामकरण कर दिया गया डीके जी हल्का, तो ये नामकरण किया गया। तो बताया जाता है कि डीके के नाम पर दो हल्के हैं, डीके हल्का सबसे महत्वपूर्ण है, शहर की मुख्य सड़क यहीं पर है, ये बहुत लंबी सड़क है, अब तो आधा मील बची है, इसकी चौड़ाई 33 फुट है, इस सड़क के दोनों ओर घर हैं। काशीनाथ दीक्षित के आधार पर ये डीके हल्का नामकरण किया गया है। तो इस स्थान की विशेषताएं बताई जा रही हैं कि इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, किंतु किसी भी घर का दरवाजा सड़क की ओर नहीं है। जो सड़कें होती थी वो समकोण पर काटती थी, राइट एंगल पर, उनके दरवाजे अंदर गली में है, मुख्य सड़क की ओर पीठ है। किसी के घर जाने के लिए पहले मुख्य सड़क से सेक्टर की गली में जाना पड़ता है। सड़क के दोनों तरफ समानता ढकी हुई नालियां हैं, हर घर में अपना सबका स्नानागार, स्नान घर है, कुआं भी है, कुएं भी बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं, संभवतः जल की कमी रही होगी। यद्यपि जो सभ्यता है ये जल के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, जो वर्तमान में विलुप्त हो गई है, सिंधु नदी के किनारे ही फली फूली। खुली नालियां भीतर बस्ती में भी नहीं है, आगे बताता है लेखक। घर का पानी पहले घर की हौदी में आता है, हौदी एक प्रकार का टैंक होता है, और फिर सड़क की नाली में। बस्ती के भीतर 9 से 12 फुट चौड़ी सड़कें हैं, बस्ती में कुएं भी हैं। पूरे मोहन जोदड़ो में लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए अब तक। सिंधु घाटी की सभ्यता नदी, कुएं, कुंड, स्नानघर और बेजोड़ पानी निकासी के कारण जल संस्कृति कही जाती है। तो पानी की ऐसी अद्भुत, जल निकासी की ऐसी अद्भुत व्यवस्था, नालियों की ऐसी अद्भुत व्यवस्था के कारण हम इसको बहुत ही उन्नत संस्कृति कहते हैं। वर्तमान में जो चंडीगढ़ शहर जिस प्रकार से बसा हुआ है, उसी से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहरों की तुलना की जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि लिखता है लेखक, बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का डीके जी कहलाता है। यहाँ घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं, शायद यहाँ 2 मंजिले मकान रहे हों। सभी घर 1:2:4 की भट्टी की पक्की ईंटों से बने हैं। यहाँ पत्थर का प्रयोग बहुत कम हुआ है, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। छोटे बड़े सब घर एक पंक्ति में हैं, अधिकतर 30x30 फुट के हैं, कुछ इनसे दुगने और तिगुने आकार के भी हैं। जो घर मिले हैं वो घरों के कमरे बहुत छोटे छोटे मिले हैं, घरों में सीढ़ियां भी मिली हैं, संभवतः 2 मंजिले 3 मंजिले के मकान भी पाए गए हैं। तो ऐसे मकान जो कई मंजिले हैं वो संभवतः माना गया है कि घर के किसी उस मोहल्ले किसी सरपंच का या मुखिया का रहता हो। इसमें 2 आंगन 20 कमरे हैं। बड़े घरों में ऊपर की मंजिल के निशान हैं, छोटे बड़े सभी घरों में कमरों का आकार प्रायः छोटा है, जिससे अनुमान लगाते हैं कि शहर की आबादी ज़्यादा रही होगी। छोटे घरों में छोटी सकरी सीढ़ियां हैं जिनके पायदान ऊंचे हैं, शायद ये जमीन की तंगी के कारण ही घरों की खिड़कियां और दरवाजों पर छज्जे नहीं हैं। नहर के चिन्ह भी नहीं मिले, लगता है उस काल में बारिश खूब होती थी, कुओं की अधिकता थी, तभी पानी के अभाव में इलाका उजड़ा होगा। तो अब ये बात की जाती है कि यहाँ पे कुओं का दिखता थी, बारिश भी होती थी, संभवतः जो नदी थी तो नदी का झुकाव या उसका मोड़ किसी और दिशा में हो गया हो, बाढ़ आ गई हो, तो पानी के अब किस लिए, या अंदेशा जताया जाता है किस लिए सभ्यता नष्ट हुई,
कि बताया जाता है लगभग 1800 ईसा पूर्व के दरमियान, 1800 ईसा पूर्व के दरमियान ये सभ्यता नष्ट हो गई है। नष्ट होने के क्या कारण है? प्राकृतिक कारण है, भूगर्भीय कारण है, या कोई बीमारी हो, या बाढ़ हो, या कोई भी प्राकृतिक और भूगर्भीय कारण हो सकता है, इसके अभी तक प्रमाण नहीं मिले हैं। लेखक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहरों को देखकर के अनुमान लगाता है। कुछ इसी प्रकार से राजस्थान का एक गांव है कुलधरा गांव, उसकी याद आ जाती है। मोहनजोदड़ो को देख करके उसको राजस्थान के कुलधरा की याद आ जाती है। कुलधरा एक गांव राजस्थान में, वर्तमान में इसको पर्यटक स्थल घोषित किया गया है। ऐसा माना जाता है जो कुलधरा गांव राजस्थान का, ये शापित गांव माना जाता है। बड़ा ही इसके बारे में ये कहा गया है कि यहाँ पे कोई राजा थे, ये कहते हैं कि ये पालीवाल ब्राह्मणों ने 13वीं शताब्दी में इसकी स्थापना, इसको बसाया था। 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। तो यहाँ का कोई मंत्री था, राजा था जैसलमेर का, जिसकी जातियों से और अत्याचार से तंग आकर के यहाँ के लोगों ने रातों रात उस गांव को छोड़ दिया और जाते जाते श्राप भी दे गए। तब से ये खंडर नुमा इमारतें, पूरा गांव उजड़ा हुआ पड़ा हुआ है। इसको इस प्रकार सांस्कृतिक विरासत में रखा गया है, लोग हजारों की संख्या में जाते हैं, पर्यटक स्थल घोषित किया गया है। तो उसकी याद आ जाती है, उसको राजस्थान का कुलधरा गाँव भी कुछ इसी प्रकार से नजर आता है। ऐसा लगता है इस गांव को देख करके मानो यहाँ के बाशिंदे अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हों। राजस्थान के समान ही गुजरात, पंजाब, हरियाणा में भी कुंड, कुएं, गली, कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के घर आज भी वैसे ही मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले थे। आगे देखते हैं, जॉन मर्सल की पुस्तक का जिक्र किया गया है, जिन्होंने इसकी खोज की थी। पुरातत्व उस दौरान जब अंग्रेजों का शासन था, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी और ये इसके डायरेक्टर बने थे। इन्होंने पुस्तक लिखी है जो 3 खंडों में है, और इसमें उन्होंने सिंधु घाटी में 100 वर्ष पहले प्रयोग होने तक खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली गाड़ी आदि के चित्र दिखाए हैं, जिन चित्रों के माध्यम से उन्होंने सतत परंपरा को सिद्ध किया है। बैलगाड़ी में पहिए परवर्ती हैं, परवर्ती यानी बाद के हैं, अब वर्तमान में तो जीप के उतरे हुए पहिए भी काम आने लगे हैं। तो ये चित्र हैं जो जिसमें दिखाया गया है कि गाड़ी है और किसी प्रकार से लेखक मोहनजोदड़ो के अजायब घर के बारे में, संग्रहालय के बारे में जिक्र करता है कि ये वहीं पर मोहनजोदड़ो में एक समूची एक इमारत है, जिसको बाद में ठीक ढंग से बनाया गया, इसी अजायब घर का रूप दिया गया। वहाँ पे बहुत सारे सामान संग्रहित हैं, जैसे, और ये भी दिखता है लेखक कि बहुत सारे प्राप्त हुई वस्तुएं, खोजी गई वस्तुएं कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन के संग्रहालय में भी रखी हैं। अकेले मोहनजोदड़ो में बहुत सारी पंजीकृत चीजें प्राप्त हुई जिनकी संख्या 50,000 से भी ज्यादा है, जोड़ तोड़ के 50,000 से भी ज्यादा है जो अकेले मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है। और कुछ यहाँ पे प्रदर्शित भी की गई है, जैसे कि यहाँ पे तांबे और कांसे के बर्तन मिले हुए हैं, मोहरे प्राप्त हुई है, वाद चाप चाप पे बने चित्रित मृदभांड में मिट्टी में चित्रकारी की गई है, और अन्नादार मिला, बलुआ पत्थर से निर्मित मूर्तियां मिली हैं, पत्थर का बैग मिला हुआ है, हिरण मिले हुए हैं, बाघ मिला हुआ है, हाथी, गैंडा, सांड, बैल, बैलगाड़ी भी प्राप्त हुई है, और मन के हार और स्त्री पत्थर में उकेरी गई स्त्री की चित्र, और इसके अलावा बुने हुए कपड़े प्राप्त हुए हैं, दाढ़ी सहित मनुष्य की चित्र भी उकेरी गई है, अग्निवेदिकाएं मिली जिससे पता चलता है कि वो लोग यज्ञ अनुष्ठान वगैरह करते थे, शतरंज भी खेलते थे ऐसा पाया गया है, छोटी मतलब मनुष्यों की हड्डियां मिली हैं, जानवरों की हड्डियां मिली हैं, घोड़ों की हड्डियां मिली हैं, तमाम मानव निर्मित बंदरगाह का भी जिक्र आता है। इसके अलावा ऐसा रिसर्च में पाया गया कि वो लोग पशुपति महादेव की मुहर मिली जिससे पता चलता है कि वो लोग नाग और पशुपति की पूजा करते थे, पृथ्वी, अग्नि और वृक्षों की भी पूजा करते थे, ऐसा खोजों में प्राप्त हुआ है। आगे इन चित्रों को आप देख सकते हैं, जिसमें कुछ कांस की नर्तकी की मूर्ति है, ये संभवतः सींग वाला बैल है,
गैंडा है, वहाँ पे कुएं की चित्र है। हालांकि इसको नया रंग रूप दिया गया है और कुछ औजार कांस के प्राप्त हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।